वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान फॉर डे। तो आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं एक टेक जो गैजेट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मेरी तरह आप अगर गैजेट के फैन है या फिर टेक्निकल चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ेदार लगेगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, ये जो वीडियो होने वाला है वो एक वॉच पे होने वाला है। जैसे कि अगर आप एप्पल वॉच यूज़ करते हैं या फिर सोच रहे कि एक वॉच ले लें जो बजट में हो आपको, तो ये वीडियो आप देख लीजिए तो आपको काफ़ी सारी आइडियाज़ मिल जाएगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो शाओमी ने अपने वो ब्रांड खोले उसके नाम है वायोमी। तो उसका एक अमेज फिट बैंड है वो लॉन्च हो चुका है। तो उसकी प्राइजिंग है कुछ अगर बात करूँगा प्राइजिंग और स्पेसिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं तो ये वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर डे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। अभी फिलहाल बहुत सारी जैसे कि टेक्निकल बातें हो रही है तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने अभी फिलहाल एक डिवाइस मतलब बात करूंगा ईयरफोन वेयर किया है। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने अपने चैनल पर डाली है तो लिंक यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। इसका नाम है एंड ऑडियो HR23। तो ये आप ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अभी फिलहाल जो मैंने MI बैंड थी उसकी भी अनबॉक्सिंग की है तो उसका भी मैंने आई बटन पे लिंक देता हुआ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जैसे कि जो Xiaomi की तरफ से ये जो बैंड लॉन्च हुआ है, अगर बात करेंगे तो बैंड कुछ ऐसा दिखता है। तो काफ़ी प्रीमियम लुक दिया गया है और प्राइसिंग की बात करेंगे तो इसकी प्राइस है ओनली 5,499 रुपीज़। मतलब आपको 5,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो 5,500 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या इसके बेनिफिट है और स्पेसिफिकेशन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्पेसिफिकेशन की बात करूँगा, Xiaomi के जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी मज़ेदार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसके डिस्प्ले की बात करूँगा तो 2.5 इंचेस का डिस्प्ले है और उसका रिजोल्यूशन है 176x176। और उसके बाद बात करूँगा जो है उसका 2.D जो कॉर्निंग है और उसके बाद उसको जो ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 3 है। तो काफ़ी सारा जो मतलब मजबूत मटेरियल यूज़ किया है। जो गोरिल्ला ग्लास 3 अगर आप देखेंगे कि आपको पोको में मिलती है, पोको F1 हाँ उसी फ़ोन में आपको मिल रही है राइट, पर आपको ये इसमें मिल रही है। तो आपको इस बैंड में क्या क्या सेंसर मिलते हैं, तो सबसे पहले सेंसर की बात करेंगे तो आपको मिलता है बारोमीटर, उसके बाद आपको GPS मिल रहा है। जी हाँ आपको GPS मिल रहा है इस बैंड में 5,000 रुपये में GPS मिल रहा है। उसके बाद हार्ट रेट एक्सेलेटर है, जो भी आप हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है इस ये भी सेंसर आपको उसमें इनबिल्ट मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे आपको इसमें मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपास जो है सेंसर उसका भी मिल रहा है। और आपको इसमें मिल रहा है काफ़ी सारे जैसे कि अगर जो नॉर्मल बैंड की बात करेंगे जो भी सेंसर अवेलेबल है उसमें आपको ये बैंड में मिल रहे हैं। तो इस बैंड की जो खासियत है उसमें आपको IP68 मिल रहा है। IP68 एक जो उसका लिमिट होता है, मतलब ये एक वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। तो आप ये जैसे कि अगर बात करेंगे तो ये पूल वेरेबल है, मतलब अगर आप इस वॉच को अगर स्विमिंग पूल में भी लेके जाते हैं तो उसको कुछ नहीं होगा। तो ये मतलब वाटर प्रूफ है बैंड। तो काफ़ी सारा अच्छा और इंटरेस्टिंग जैसे कि दिख रहा है, पर अभी फिलहाल वो इंडिया में आया नहीं है, अवेलेबल हुआ नहीं है। तो ये इंडिया में जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अवेलेबल होगा ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा आपको, बाकी अदर कोई वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंडिया में लॉन्च होने से पहले अगर चाहते हैं कि आपको ये मिल जाए तो आपको काफ़ी सारे वेबसाइट है जैसे कि गियर बेस्ड है या फिर बात करूँगा बैंक है, तो ये दोनों वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं तो 10-15 दिनों में आपको मिल जाता है। और उसमें भी अभी फिलहाल सेल चल रहा है तो काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिल जाएगा। तो आगे बात करूँगा, इसमें आपको जो बैटरी लाइफ मिलती है वह 190 mAh की बैटरी लाइफ है। अगर उन्होंने Xiaomi ने जो क्लेम किया है कि अगर आप स्टैंड बाई यूज़ करते हैं तो 4 मंथ तक ये बैटरी सर्वाइव कर जाएगी, अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आपको ये 4 दिन तक आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करूँगा तो ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए कंपैटिबल है, एंड्रॉयड प्लस iOS। जो एंड्रॉयड और iOS वर्जन है उसमें आपको MI फिट जो ऐप है 3.0 ये वर्जन यूज़ करना होगा और काफ़ी मतलब इंटरैक्टिव इसका जो है इंटरफेस है। तो ये काफ़ी सस्ता और टिकाऊ जैसे कि मेरे को लग रहा है। तो आपका क्या फीडबैक है, क्या है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आज तक के लिए वीडियो इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।